बहुत बहुत बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो आप भी यदि आठवीं पास कर लिए हैं और आपको एडमिशन करवाना है नाइन्थ में, तो आपको इस वीडियो को फुल देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नामांकन हेतु अभिभावक घोषणा पत्र है। इस पत्र को आपको, यानी कि इस फॉर्म को भरना, यहाँ पे आपको आना चाहिए। ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है, इस फॉर्म को जो है ना कॉलेज में, यदि आप जब जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो ये आपको स्कूल की तरफ से यानी कि आपको मिल जाता है। तो इस फॉर्म को आपको भर करके इनको देना होता है। और एडमिशन में आपको क्या क्या कागजात लगेगा, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और एडमिशन का लास्ट डेट क्या है, हम आपको इस वीडियो में पूरा हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहना है, वीडियो को फुल देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बात करेंगे आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है छात्र का नाम, तो आपका जो भी नाम रहेगा यहाँ पे आपको भर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते, तो यहाँ पे आपको ऊपर में हिंदी में, नीचे में स्टूडेंट नेम, यहाँ पे अंग्रेजी में। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नाम लिखना है। पिता का नाम यहाँ पे अपना, जो आपका जो पिता का नाम होगा ये आप लिख लीजिएगा। फादर्स नेम इंग्लिश में लिख लीजिएगा। उसके बाद माता का नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको कर लेना है। उसके बाद पेशा, यानी कि आप तो स्टूडेंट हैं मान के चले, तो आप तो कुछ करते हैं, इसमें पेशा होगा यानी कि आपके पिताजी का पेशा होगा, क्या करते हैं, तो मजदूरी आप डाल सकते हैं या कृषि डाल सकते हैं, जो करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। निवास स्थान, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आपका लिखना पड़ेगा, जो भी आपको एड्रेस यानी कि पता जो भी है, जैसे कि हो गया ग्राम, पोस्ट, ये सब जो हो गया आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। उसके बाद अभिभावक का नाम, जो आपके अभिभावक हैं उसका नाम आप यहाँ पे दे देंगे, यानी कि पापा का ही नाम आप दे दीजिएगा। उसके बाद वो अभिभावक का पेशा या जाति जो भी हैं आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद स्थानीय अभिभावक का नाम या पता, तो इनका जो कि अभिभावक का जो यहाँ पे पता होगा। उसके बाद यहाँ पे जन्मतिथि, यानी कि आप अपना जन्मतिथि यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद दूसरे विद्यालय से आने वाले छात्र का विवरण, तो आपको विद्यालय का यानी कि जिस कॉलेज से आप आए, यानी कि जिस स्कूल से आए हुए हैं, आठवीं पास किए हुए हैं, उस स्कूल का यहाँ पे नाम होगा, ठीक ना। उसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र संख्या, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपके सर्टिफिकेट जो मिलता है SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे आपको हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, उसमें ये लिखा रहता है। हम आपको भी बताएंगे कहाँ पे लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस दिन आप एडमिशन करवा रहे हैं आपको डेट लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आधार संख्या, यानी कि आधार नंबर आपको यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद खाता संख्या, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद IFC कोड, तो बैंक का IFC कोड होता है, आपके पासबुक में लिखा रहता है, तो वो आपको भरना है। उसके बाद खाताधारी का नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे ये भरना है। उसके बाद जो है बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक नाम है, उत्तर बिहार ग्रामीण, स्टेट बैंक, जो भी बैंक है आपको इसमें यहाँ पे दे देना है। घोषणा लिखा हुआ है, उसके बाद साथ छात्र का हस्ताक्षर, उसके बाद पिता माता अभिभावक का हस्ताक्षर, अपने पिताजी से यहाँ पे आप साइन करवा लेंगे। उसके बाद नामांकन पंजी प्रवेश क्रम संख्या, तो ये आपके टीचर लोग यहाँ पे भर देगा इसको। उसके बाद यहाँ पे प्रधानाध्यापक का यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। इस तरीके से आप कर सकते थे। हम फाइनली बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट का यदि बात करें, तो जब आप आठवीं पास कर लेते हैं, तो वहाँ से एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट मिलता है, तो अब उसको आपको लेना जरूरी होता है। तो वो जब आप उस सर्टिफिकेट को लेकर आइएगा, तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि ओरिजिनल यही ले लेता है। तो आपको ये चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। और हम जो आपको बता दिया, फीस यहाँ पे 500 रुपया भी लग रहा है सभी को, तो फीस का भी बात कर लेते हैं, तो 500 रुपया यहाँ पे फीस लग रहा है। तो अलग अलग कॉलेज का थोड़ा कम भी लेता है, 300-400 में भी हो जाता है। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग यहाँ पे डिपेंड करता है। और फ़ोटो आपको यहाँ पे लग जाएगा, और ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये सब चीज़ सब आपको जो कि ज़रूरी है, तो ये सब आपको लेकर के आना है और अपना एडमिशन करवाना है। चलिए सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं किस तरीके से अब होता है। उन्हें सबको इसे मालूम होता ही है, लेकिन फिर भी हम चलिए दिखाते हैं आप सभी को। तो आप जो ये सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यही जो है ना आपका जारी किया जाता है, जो कि आपको आठवीं पास करने के बाद ये विद्यालय स्थान प्रमाण पत्र आपको मिलता है। ये नंबर हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, जो मैंने आपको बताया कि ये नंबर आपको डालना होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र संख्या।
तो आपको ये इस तरीके से मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको ये जल्द सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भी आपका जवाब सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको 110% जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।